दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ मिलकर अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 21 नाबालिग बच्चियों को बचाया है। पुलिस को मौके से नशे की दवाइयां, प्रेगनेंसी किट, दस्तावेज और 10 लाख रुपए से अधिक का कैश बरामद हुआ है। यह कार्यवाही LG विनय कुमार सक्सेना की अनुमति के बाद की गई है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को सूचना मिली थी कि दिल्ली में कई स्थानों पर नाबालिग बच्चियों से अनैतिक कार्य कराया जा रहा है। इस पर आयोग ने इस पूरे मामले से LG विनय सक्सेना को अवगत कराया। LG के आदेश पर दिल्ली पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया। बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि शकुरपुर में 5 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। वे मौके पर मौजूद हैं। वहां बच्चियों को कमरे से बाहर निकालने में 5 घंटे लग गए। उन्होंने कहा कि कोई भी कमरा नहीं खुल रहा था, ऐसे में दरवाजे को काटा गया। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर भी छापेमारी चल रही है। प्रियंका कानूनगो ने बताया कि 10 स्थानों पर कार्रवाई चल रही है। शकुरपुर के अलावा सुभाष पैलेस, राजौरी गार्डन और निहाल विहार में भी अभियान चल रहा है। मौके से दवाइयां, प्रेगनेंसी किट, 10 लाख रुपए और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ये बच्चे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत अन्य राज्यों से हैं। सभी रेस्क्यू की गई बच्चियों को बाल कल्याण समितियों को सौंप दिया गया है। बचपन बचाओ आंदोलन ने की थी शिकायत। बचपन बचाओ आंदोलन ने इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को दी थी। बचपन बचाओ आंदोलन के निदेशक मनीष शर्मा का कहना है कि गरीब परिवार के बच्चों को सामाजिक सुरक्षा का हवाला देकर बाल श्रम में झोंक दिया जाता है। मौके से प्रेगनेंसी किट का मिलना इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ सख्त नियम की जरूरत है। दिल्ली से प्रिंस जसवाल की।